धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आपको पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने आप को पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं। और आज के संध्या काल के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको ये फिर से मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आके आपके गुणानुवाद को करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम जो पिता परमेश्वर आज आपके वचनों को लेकर आए हैं पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो वचन हम आपके सामने रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर वह आपको ग्रहण योग्य हो। आज दिन भर के दिए हुए इनायतों के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और पिता परमेश्वर आज आपने हमको फिर से ये मौका दिया कि हम आपके चरण में आ सके, उसके लिए हम आपको दिलो जान से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम आज इतने देर बाद में भी उपस्थित हुई हो। पिता परमेश्वर तुमको बहुत आशीष दे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति आपकी इबादत और आपकी आराधना के लिए पिता परमेश्वर जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समय का किसी को कोई बंधन नहीं पिता, समय इतना होने के बावजूद भी लोग अपने पिता परमेश्वर नींद को छोड़कर पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए जो हाजिर होता है उसे पिता परमेश्वर आप पूरी इनायतों से मालामाल करते हैं, यह हमारा पूरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड आरती, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी हर प्रार्थना को आप सुन रहे हैं पिता। आपके वचन को जो हम बांटेंगे उसमें भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, यह हमारा पूरा भरोसा है। वो वचन को पिता परमेश्वर पवित्र करना और पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण करना ताकि हम मनुष्य के नाते नहीं बल्कि परमेश्वर के सेवक के नाते पिता परमेश्वर हम बोलने वाले हो सके। हमारे मन को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर पूरे तरीके से खाली कर दीजिए और होने दीजिए पिता कि आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बस जाए और आपके पवित्र वचनों से पिता परमेश्वर जैसा चाहें आप हम उस तरीके से बोलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए कि उनको पिता परमेश्वर हमने रिक्वेस्ट की आज का 6 बजे का समय देने का, क्योंकि पिता परमेश्वर हम फ्राइडे को बिजी हो हैं और इसलिए पिता परमेश्वर आज हमने थर्सडे के लिए आज ही मांगा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि ये पेज का ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हमारे लिए खोला और ये समय भी उन्होंने हमें परमेश्वर के चरण में जाने के लिए एक मौका दिया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम शबनम दीदी और अनुपम भैया का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिता कि ये लोग दोनों ने मिलकर पिता परमेश्वर हमको परमेश्वर की इबादत करने के लिए फिर से एक बार मौका दिया। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है रोहिणी के लिए, आरती के लिए और जो भी कोई यहाँ पर उपस्थित है पिता, उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने ब्लेसिंग से मालामाल करिए पिता परमेश्वर। उन्होंने जो पिता परमेश्वर अपने सुख को छोड़कर अपने कंफर्ट को छोड़कर पिता परमेश्वर जो आपके कंफर्ट जोन में वो आए हैं पिता, ये कंफर्ट जोन सबसे महत्वपूर्ण है पिता और इसके द्वारा जो उन्हें आशीषें मिलेगी पिता परमेश्वर वो सचमुच में पिता परमेश्वर हम उसको बयान नहीं कर सकते, उससे भी कहीं ज़्यादा आशीषें वो लोग पाएंगे। और जितने भी उपस्थित होने वाले हैं और जो ऑफलाइन देखने वाले हैं उन सबको पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि हरेक के मन में ये वचन पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आर पार छिद जाए और होने दीजिए पिता कि हम सब पिता परमेश्वर इससे बहुत बड़ी शिक्षा लेने वाले हो सके और अपने जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड शबनम, बहुत बहुत धन्यवाद हुआ आज के दिन के लिए। आज मैंने 6 बजे प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, मैंने आज के दिन के लिए प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, सबको धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज शाम के समय भी दोनों पति पत्नी राज़ी हो गए मुझको पेज पर बोलने के लिए, उन्होंने मुझको इजाज़त दी। सिर्फ आज ही का गुरुवार का ही दिन मैं बोलूँगी, तो बाद में मैं शुक्रवार को ही बोला करूँगी प्रेज द लॉर्ड। हमने जो उस समय पिछले शुक्रवार को जो हमने नहीं पिछले सोमवार को जो हमने जनरस एंड हॉस्पिटेबल के बारे में, मेहमान नवाजी और उदारता, इसके बारे में जो हमने अधूरा छोड़ा था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रेम के बारे में देखा था कि रोमन्स 12 का हमने स्टडी करना चालू किया था, पर वो हमारा पूरा यानी एक ही उसमें का एक ही हम वचन को बोल पाए थे, बाकी के वचन हम शेयर नहीं कर पाए थे, इसलिए हम 3 वचन आज शेयर करेंगे, जिसमें हमने वचन जो शेयर किया था वो था प्रेम में निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। ये वचन के ऊपर हमने उस दिन अध्ययन किया था। आज का मेरा जो वचन है, हम डायरेक्ट वचन पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं होता है, हम कंटिन्यू करना पड़ता है, इसलिए हम उसको समाप्त करने की आज कोशिश करेंगे। 10वां वचन है उसी का, रोमियो 12:10, रोमन्स 12:10, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ते चले जाओ, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हम हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि बुराई से घृणा करो। कई जैसी चीज़ें हैं जो बुराई में आती है, और ये हम सब कुछ जानते हैं कि हमेशा हमको परमेश्वर का यही वचन याद आता है कि बुराई से घृणा करो और भलाई में बने रहो। अब हम सोचेंगे कि बुराई क्या है, तो ये बात तो बाइबल में लिखी हुई है कि बुराई क्या है और भलाई क्या है। हम सब कुछ जान के भी, हम सब बातें जानकर भी हम बुराई से लिपटे रहते हैं। हमको बुराई करना, लोगों के प्रति गॉसिपिंग करना, या किसी को नीचे लेखना, या किसी के प्रति हमको जलसी होना, अलग 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 किस्म की बुराइयां हमारे जीवन में पाई जाती है। ये तो बहुत छोटी बुराई है। कई ऐसी बुराइयां होती है जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, हमारे शरीर को हम अपवित्र करते हैं वो बुराइयों से, हमारा खुद का शरीर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कोई समझ गए हैं कि हम शारीरिक रूप से किस तरीके से अपवित्र हो जाते हैं। कई ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसी कहना चाहिए कि संसार के प्रति जो हमारी एक उसके पीछे दौड़ने की जो हमारी भावना होती है कि संसार जो करता है उसको थोड़ा सा हम भी तो चख के देख लें, तो ये चीज़ के प्रति हम बड़े जल्दी आकर्षित होते हैं। और अगर हमको कहेंगे कि भाईचारे में रहो और भलाई में बने रहो, तो ये करना हमारे लिए काफ़ी थोड़ी देर के लिए ठीक है, थोड़े दिन के लिए ठीक है, पर कुछ दिनों के बाद में हमको वो कठिन सा प्रतीत होता है। अब बुराई करने में तो हमको किसी की सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से बुराई करना है या किस क्या है बुराई का मतलब, यह हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उसमें हम लिप्त भी हो जाते हैं और हम उसमें आनंद भी उठाते हैं, उसमें हम बहुत आनंद उठाते हैं, उसमें हमारा समय कैसा निकल जाता है हमको नहीं समझ में आता। चर्च में वही अगर समझ जाइए, पास्टर साहब ने 1 घंटे के ऊपर बोल दिया, 1 घंटा भी कोई लोग सहन नहीं कर पाते, परंतु 1 घंटे के ऊपर अगर पास्टर साहब ने थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया तो चर्च में हर कोई इधर उधर उधर इधर होने लगता है, उसका ध्यान बटने लगता है। परंतु वही जब हम बाहर निकलते हैं, चर्च के बाहर जब हम निकलते हैं, उसके बाद में हम चाहें तो कितने भी घंटे बात करते हैं,
उसके अलावा हम बाहर जाते हैं, बाहर में हमारी कोई एक्टिविटीज़ होती है, वो सब के लिए हमारे पास में समय होता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के साथ में स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। भाईचारे का प्रेम यानि क्या? हम क्या सोचते हैं? जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से हमको प्यार करना है। भाई से प्यार करने को कहा है यहाँ पर। आजकल तो भाई बहन का भी प्रेम हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप से टूट जाता है। संसार के कई ऐसी प्रकार होते हैं जिसके कारण भाई बहनों के प्रेम में गैप आ जाता है, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार आ जाता है। पर वो बताने के लिए अच्छे से रह सकते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति नफरत आ जाती है। तो क्या ये चीज़ परमेश्वर ने करने को बोला है? भाईचारा यानी जरूरी हमारे भाई बहनों से ही प्यार, ये नहीं कहा है। भाईचारा यानी जो हमारे शत्रु है, जो हमारे विरोधी हैं। ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम कि कौन हमारे शत्रु हैं, हमको अच्छे से मालूम है कि हमारे विरोध करने वाले या हमारे, कई लोग ऐसे होते हैं कि मुंह पर खूब मीठा बोलते हैं परंतु अंदरून में, अंदर में उनके लिए, उनके मन में क्या है ये हम नहीं समझ पाते। और हमको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि उनके मन के अंदर जाके तुम टटोलो कि सचमुच वे तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं और उनसे प्रेम करो। ऐसा पिता परमेश्वर ने नहीं कहा। पिता परमेश्वर कहता है कि हम उनके गलत चीज़ों को स्वीकार ना करें। अगर कोई समझ जाइए हमसे, हम उससे प्रेम कर रहे हैं और वो हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, या वो हमसे कुछ चीज़ की अपेक्षा कर रहा है, हमारे उसमें रिलेटिव भी हो सकते हैं और हमारे उसमें शत्रु भी हो सकते हैं, वो अगर हमसे कोई चीज़ का सैक्रिफाइस चाह रहे हैं तो क्या हम सैक्रिफाइस करेंगे? अगर सगे भाई भी हमसे कोई सैक्रिफाइस चाहता है तो क्या हम सैक्रिफाइस करेंगे? फिर दूसरे लोगों की तो बात ही कुछ और हो गई, दूसरों की बातों की प्रश्न ही नहीं आता। जब हम देखते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, भाईचारे की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, जब हम चर्च जाते हैं, चर्च जाने के समय एकाधा व्यक्ति जो काफ़ी पैसे वाला है, उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, साइड में खड़ी है उसकी गाड़ी और वो लोग भी साइड में खड़े हुए हैं और उसी समय हम वहाँ से पास हो रहे हैं, हम इमिजिएटली रुक के उनको हम अपने कार में बैठने का निमंत्रण देंगे और उनसे कहेंगे कि गाड़ी एक बाजू में रहने दीजिए, आप हमारे साथ में चर्च में चलिए, और हम उनको चर्च में लाने के लिए बहुत यानी घमंड महसूस करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। उसी समय अगर समझ जाइए हम जा रहे हैं और कोई गरीब व्यक्ति है, हमारी चर्च का मेंबर है पर वो गरीब व्यक्ति है, वो बेचारा पैदल 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 जल्दी 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 चले आ रहा है कि चर्च को मैं समय पे पहुंचूं, पसीने से लथपथ हो गया है। हम उसके तरफ आंख फेर लेंगे, और उसके बाजू से निकल कर चले जाएंगे, पर उससे ये नहीं कहेंगे कि सिस्टर आके बैठ जाइए, आप यहाँ पर बैठिए, हमारे साथ में चलिए। ये हुआ क्या भाईचारा? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। यहाँ नहीं लिखा है कि अमीर से स्नेह रखो, गरीब से स्नेह मत रखो, या जिसने तुम्हारे लिए बुरा किया उससे स्नेह मत रखो, और जो कोई तुम्हारा बहुत बड़ा व्यक्ति है उससे स्नेह रखो। परमेश्वर वो चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर मतलबी प्यार को स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे मन में किसी के प्रति ग्रज हो, और ग्रज नहीं भी है तो किसी के प्रति अमीर और गरीब की भावना हो। ये परमेश्वर का वचन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही पुराने नियम में और ना ही नए नियम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि पापियों से घृणा मत करो, पापों से घृणा करो। परमेश्वर उल्टा नहीं कहता कि पापियों से घृणा करो और पाप से प्रेम करो, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता। परंतु हम हमेशा देखते हैं कि हम इसको अपने
सहूलत के अनुसार, अपने जिस तरीके से हम चाहते हैं उसके अनुसार इस वचन को हम पलट देते हैं। भाईचारे के प्रेम को हम अपने सुविधा के अनुसार, हम अपने कंफर्ट के अनुसार, हम अपने मन, हमारा हृदय जो हमको बोल रहा है कि वो अमीर व्यक्ति है उसको तू लिफ्ट दे, तो उसको हम अपने कंफर्ट के अनुसार नहीं बदल सकते, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा जो पिता है वो परमेश्वर है। हमारा पिता जगिक पिता की बात नहीं कर रही मैं, जो पिता हमको कभी भी नहीं छोड़ने वाला है और वो हमारे को हर समय निहारते रहता है। हमको ये पता है कि पिता परमेश्वर हमको देख रहा है, फिर भी हम कई बार अपने मन की बातें करते हैं, अपने मन के अनुसार हम चलना चाहते हैं, हम दूसरों को तकलीफ़ देते हैं या हम दूसरों से प्रेम करते हैं। किसको हम तकलीफ़ देते हैं या किसका दिल हम दुखाते हैं और किससे हम प्रेम करते हैं, ये हमारी ही सोचने की बात है, ये हमको ही स्टडी करने की बात है। क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने किसको दुख दिया या मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने किसी के गरीब की मदद की, क्या मुझे सोचने तो दो, ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। आपका पूरा खुला चिट्ठा आपके सामने है, आपने क्या क्या किया ये आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि इसलिए मालूम है कि लोगों ने आपके साथ में क्या किया वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसने स्वयं सोने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, प्रेज द लॉर्ड शिलो में, कि उसने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, ये हम तो बिना भूले सालों याद रखते हैं। तो फिर हम भाईचारे के साथ में कितनों के साथ में पेश आए, क्या ये हम नहीं जानते? हम प्रेम की परिभाषा को नहीं जानते? हम किसी से हमको हर्ट हुआ है या हमने किसी को हर्ट किया है, हमने किसी को हर्ट किया तो हम 10 बार एक्सक्यूज़ दे देंगे कि नहीं मेरा तो हेतु वो नहीं था, उसने मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी मैं शांत रही, बहुत देर तक मैं शांत रही कि वो मेरे साथ में ऐसा किया तो भी मैं सहन करती रही, सहन पर मैं कब तक सहन करूं? सहन करने की भी कोई सीमा है? क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया? उसने कहा कि सहन करने की भी एक सीमा है। आज भी अगर वो हमसे कह देना कि रीता बहुत हुआ, मैंने तुझे बहुत सहन किया, मैंने तेरे बहुत लाड़ कर लिए, पर तू कुछ सुधरती नहीं, तेरा मन कुछ चेंज होता नहीं, बस आज से मैं तुझको छोड़ देता हूँ, ऐसा हमारा पिता अगर हमसे कहे तो हमारा क्या होगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यानी अगर कोई हमारे साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई आउट ऑफ वे जाकर हमारे लिए काम कर रहा है, हम बहुत बीमार हैं, हमारे पास में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, उस समय वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर अगर हमारे पास में आकर हमारी सेवा करता है तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे लिए बढ़कर काम कर रहा है। और उसके कुछ ही साल बाद में अगर वो व्यक्ति को समझ लीजिए कि कुछ क्या कहना चाहिए, टीबी हो गई मान के चलिए, या और भी ऐसी चीज़ जिससे हम उससे दूर रहना चाहते हैं, स्वाइन फ्लू खूब चल रहा है अभी, स्वाइन फ्लू का बहुत बड़ा तो बढ़ती हो रही है अभी, किसी को अगर खांसी भी आ जाती है, किसी को अगर सर्दी भी हो जाती है, मनुष्य मनुष्य से दूर चला जा रहा है ये सोच कर कि कहीं ये बीमारी हमको भी ना हो जाए, और ये सच भी है। परंतु हम अगर उसके
ठीक है ना, उसके नज़दीक नहीं जा सकते हैं, परंतु उसके कमरे के पास में जाकर उससे हालचाल तो पूछ ही सकते हैं, उसके खाने पीने का इंतज़ाम तो कर ही सकते हैं, उसके पानी का इंतज़ाम तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना हम। तो उसमें लिखा है कि उसके आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, उसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं उसके साथ में वैसा कर रही हूँ, तो हमने अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उसने किया ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। हमको उनके लिए करना है जिन्होंने हमारे साथ में नहीं किया, मालूम होते हुए भी वो हमसे दूर चले गए, हमको उनके लिए करना है। जिस तरीके से मत्ती 5:43-47 में लिखा है, मैथ्यू 5:43-47, इसमें शत्रुओं से प्रेम, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, ये पढ़ा है तुमने, लैव्य व्यवस्था में भी लिखा है, भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, ये अभी हमारे पास में समय नहीं है, पढ़ लेना, लैव्य व्यवस्था 19:18 है और भजन संहिता 139:21-22, परंतु हमारे पास इसमें लिखा है कि पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह का वचन है ये, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। कितना कठिन है ना, कई बार हम पढ़ते हैं पर क्या हम अपने बैरियों से सचमुच में प्रेम रखते हैं? सिर्फ आज मैंने पढ़ ली और आज मैंने अपने बैरियों से प्रेम कर ली, थोड़े दिन तक मेरे वचन जो मेरे दिमाग में घुसा हुआ हृदय में नहीं है भला, ऊपर दिमाग में ऊपर के कप्पे में अगर है मेरे, तो मैं कुछ दिन के लिए ये काम करूँगी, क्योंकि वो हृदय में नहीं है मेरे, कुछ दिनों के बाद में फिर एकदम से मेरे को लगेगा नहीं, इसके लिए तो मैं चाहे कितना भी अच्छा करूँ ये तो मेरे विरोध में ही बोलता है, ये तो मेरे विरोध में ही जाता है, ये तो मेरे हर चीज़ से जलता है, तो हम उसका न्याय करने लग गए, हम उसका न्याय करने लग गए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप बोलोगे कि मेरे साथ तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भेड़ की खाल पहनकर किसी के सामने अगर चले जाएं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम सचमुच में कौन हैं, नहीं समझ में आएगा। अगर भेड़ बोलेगा कि मैं शेर की खाल पहन लेता हूँ तो वो शेर नहीं हो जाएगा, वो जैसे ही अपनी आवाज को निकालेगा ना, समझ में आ जाएगा कि ये शेर है या ये भेड़ है। यही हमारा चरित्र है। आज हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं तो हम ये काम कुछ दिनों के लिए करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाएंगे, क्योंकि यह हमारे सिर्फ ऊपरी भाग में बसा हुआ है, हमारे हृदय में नहीं है, हम अपने हृदय से अभी भी उसी तरीके के इंसान हैं, और वो भी अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके लिए हमारे मन में कोई भावना नहीं रहती, उसके लिए हम कभी भी उनको हाथ भी नहीं लगाते, उनको हम कभी भी, जब हम चर्च में होते हैं हम सबसे गले मिलते हैं, हम सबको खूब प्रेज दिलाउट करते हैं, पर कोई अगर हमसे कम अगर आ गया, गरीब आ गया, उससे हम नहीं मिलते, ये मैंने बात बहुत बार बताई हूँ। तो क्या परमेश्वर को हमारा उस समय चर्च की इबादत करके जो हम प्रेज दिलाउट कर रहे हैं, चर्च की प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर को सारी स्तुति देने के बाद, परमेश्वर के देह में पूरी तरीके से समा जाने के बाद में, उपवास और प्रार्थना के साथ में जाने के बाद में, या हम परमेश्वर की वो जो वर्शिप है बड़े दिलो जान से करने के बाद में, अन्य अन्य भाषाओं में बात करने के बाद में, जब परमेश्वर के ही भवन में खड़े हैं भला, वही ड्योड़ी पे भी नहीं आए हैं हम, अभी हम वहीं पर खड़े हुए हैं, परंतु वहां पर हम क्या कर रहे हैं? फिर वही हमारा न्याय हो चुका, वही हमारा न्याय हो चुका, अपने लोगों से, अपने कहना चाहिए बड़े लोगों से, जो हमारे कितने
प्यार से हम उनसे गले मिलते हैं, उनके कपड़ों की स्तुति होने लग जाती है, जो जो वो पहनते हैं क्या मस्त पहनती है और यूं और त्यों सारी बातें शुरू हो जाती। पर वहीं पर एक हद अगर गरीब व्यक्ति आता है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, अपन उसको प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बस क्या हमने उससे हाथ मिलाया? हाथ तो ठीक है भाई, हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि वो बेचारी हाथ सामने करती है ना, वो हाथ सामने करती है तो हम उससे हाथ मिला लेते हैं। पर क्या हम उसके गले मिलते हैं? कहाँ है बताइए ना, शत्रुओं से प्रेम करना आज पास्टर ने हमको बतलाया, मान के चलिए वो संडे को उसका भाषण ही परमेश्वर का भाषण देने के लिए जब हमारे फादर ने पास्टर साहब जब खड़े होते हैं उस समय उन्होंने यही टॉपिक लिया, और हम चर्च में ही हैं, हम परमेश्वर की देह में ही हैं, हमने क्या किया? यही पे हमारा न्याय हो चुका प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है कि अपने बैरियों, वो तो हमारे बैरी भी नहीं है बेचारे, वो तो हमारे बैरी भी नहीं है, बल्कि हमारे बैरी तो वही हो सकते हैं जो हमसे समानता में हैं। हम उसके बैरी कि अरे आज तो इसने नई कार लेकर आई, वो मेरी बैरी, मैं उसकी तुलना करने लग गई मुझसे, अरे आज तो इसके पास में ये है वो है यूं ट्यून जो भी है, हमारा वहीं पे शुरू हो जाता है चर्च में ही। तो ये कहाँ पर है कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हमारे सताने वालों के लिए हम कितने दिन, अगर समझ जाओ किसी से हमको बहुत तकलीफ हो रही है, कंटिन्यूस तकलीफ हुई चली जा रही है, वो व्यक्ति सुधरने का नाम ही नहीं लेता, वो व्यक्ति रियलाइज ही नहीं कर रहा कि मैं कहीं तो भी गलत हूँ, मुझे ही ले लो, किसी के साथ में अगर मैंने कोई बुरा व्यवहार किया, मैं रियलाइज ही नहीं कर रही कि मैंने बहुत बड़ा दुख का काम किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं कैसे रियलाइज ही नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे सुधारूंगी, कैसे मैं परमेश्वर से बोलूंगी कि परमेश्वर तू मुझको सुधार, तो मैं दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करूंगी, और वो भी अपने बैरियों के लिए, जब मुझको ही मेरी गलती सूझ नहीं रही है, मुझको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसी के साथ में कंटिन्यूस उसके ऊपर दुखों का पहाड़ लादती चली जा रही हूं, तो मैं कैसे दूसरों को माफ करूं? मुझे ही सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। कितने बार मैंने ये कहा है कि गरीबों के कोई गले मिलता है क्या? मैं हमेशा चर्च जाती हूँ, अभी भी नहीं मिलती, अभी भी मैं गले नहीं मिलती उनसे, और वो भी बेचारे हमसे गले नहीं मिलते। कितने बुरे हैं ना हम लोग, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं मेरा रियलाइजेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा है जिससे तुम अपने, देखिए हाँ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हम जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल जो है हमारा चर्च में, किससे गले मिलना, किससे नहीं मिलना, किसको हाथ मिलाना, किससे नहीं मिलाना, हमारा सूर्य गरीबों के लिए उदय नहीं होता, उनके लिए हमारे पास में कोई प्रकाश, जो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश, वहां तुमने परमेश्वर का प्रकाश लिया ना, वही चर्च में तुमने प्रकाशन परमेश्वर का, सूर्य का प्रकाश प्रकाश तुमको मिला ना, ज्योति तुम्हारे साथ है ना, वहां बहुत सिंसियरली हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सबके फेस इतने सिंसियर हो जाते हैं कि नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट, क्या फायदा? क्या पिता परमेश्वर ऐसा करता है कि अमीरों के लिए एक घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है क्या, कि अमीर जो है उनके लिए 5 बजे सूर्योदय और गरीब जो है उसके लिए 6 बजे सूर्योदय, सूर्यास्त गरीब के लिए 4 बजे और अमीर के लिए 6 बजे, ऐसा होता है क्या?
इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हम बहुत बार पढ़ चुके, बहुत बार पढ़ चुके। परमेश्वर भी थक गया है हम लोगों से, थक गया है वो कि उसी के भवन में हम ऐसा करते हैं। ये तो अभी मुझे याद आया कि दूर क्या जाने का, हम तो उसी के भवन में ऐसा करते हैं। उसी के भवन में हम परमेश्वर के हृदय को तोड़ देते हैं, जो बड़े सिंसियर मुंह बना के परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इतने इतने यानी ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर इनमें ही बस गया है, मुझ में बस गया पूरा परमेश्वर मुझ में। इतना मैं अपने आप को ये करके बहुत ही, और सचमुच में उस समय हम बड़े सीरियसली परमेश्वर का वचन सुनते और सोचते हैं कि मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं इस तरीके से करना नहीं चाहिए मुझको, मैंने इस चीज़ को सुधारना है। पलक झपकते ही हमारा सब कुछ गायब हो जाता है, चर्च में ही, परमेश्वर के देह में ही। देह के बाहर ना निकलने की जरूरत ही नहीं है हमको। ये बोलूंगी तो फिर से आज मेरा ये किशम वचन पूरा होएगा। तो हमने परमेश्वर के लिए ये काम करने की, जो परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हम तो सिर्फ अपना ही आदर करवाने में बढ़ते चले जाते हैं। आज उसने मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं करा, मेरे सामने से निकल गया। चर्च में ही खड़ी हूँ मैं, भला परमेश्वर के देह में ही खड़ी हूँ मैं। हो सकता है उसका ध्यान नहीं गया होगा, नहीं हम बोल, अरे आज तो सो एंड सो ने मेरे को प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोला, मैं गई थी उसके पास मैं प्रेज द लॉर्ड करने के लिए, तो वो मेरे को देख के चला गया। ये भावना आती है या नहीं हमको बताइए, कहीं मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हमारे मन में ये भावना आती है प्रियो, हम एक दूसरे को हमेशा ये करते हैं कि वो मेरे से मिला या नहीं मिला। कई बार तो ऐसा भी हो जाता होगा ना कि मेरे भी पास में इतने सारे लोग आ गए मिलने के लिए, और मेरा जो प्रियजन है या मेरा बड़ा नज़दीक का व्यक्ति है, वो मेरे लिए खूब देर से खड़ा है और मेरा ध्यान ही नहीं है उसके तरफ, क्योंकि मेरे पास में मिलने वाले बहुत लोग हैं और मैंने उससे नहीं मुलाकात करी, पर वो बात मुझे याद नहीं रहेगी, वो बात मुझे याद नहीं रहेगी, वो बात को मैं भूल जाऊँगी कि मैंने क्या किया, ये मैं कभी याद नहीं रखूँगी। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है ना, यीशु मसीह ने कभी भी पापियों से नफरत नहीं की, बल्कि उसने पापी स्त्री को माफ किया और कहा कि आज के बाद तू पाप मत करना। सामरी स्त्री को उसने पूरा जीवन का जल पिला दिया, वो अपने घड़े को, संसारिक घड़े को छोड़कर वो जीवन के जल के पिलाने के लिए अन्य लोगों को एकत्रित करके लेकर आई। उसने सोचा क्या कि इन लोगों ने तो मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया, इन लोग जब पानी भरने को आते थे तब तो ये लोग मेरे को आने भी नहीं देते थे, ये लोग तो मेरे साथ में मेरे को तुच्छ समझते थे, उन लोगों को क्यों दूं मैं जीवन का जल? उसने सोची क्या, उनको मैं क्यों बताऊं कि मसीहा है, शायद आ जाओ उनकी बातें सुनने को आ जाओ। सबको बुला कर लाती है वो, भाईचारे का प्रेम सामरी स्त्री में है। और जब यीशु मसीह ने भी सामरी पुरुष का उदाहरण लिया, सामरी स्त्री का उदाहरण लिया, क्यों हम जैसे बड़े लोगों का उदाहरण परमेश्वर ने नहीं लिया? बड़े इन द सेंस हम अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक जो समझते हैं ना, धार्मिकता का आडंबर जो हम में भरा हुआ है ना, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, अरे प्रेज द लॉर्ड यानी क्या, क्या मालूम है प्रेज द लॉर्ड यानी क्या? हमारे कौन से मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति हो बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, किस मुख से बोलते हैं हम? वो सामरी पुरुष जिसने वो जख्मी की सेवा ही नहीं की, बल्कि पैसा देखकर उसको सराय में रखा और जितना भी पैसा लगेगा मैं वापस आऊंगा और तुझे वो पूरा पैसा दे दूंगा। धार्मिक लोग उसके बाजू से चले गए क्योंकि उनको धार्मिक कार्य करना था, अगर वो उसको उठा लेते तो वो धार्मिक कार्य नहीं कर पाते, इसलिए उसके बाजू से निकल कर चले गए। पर वो सामरी पुरुष वहाँ खड़ा रहा। परमेश्वर ने क्यों सामरी पुरुष का उदाहरण दिया? क्यों नहीं परमेश्वर ने इसराइलियों का उदाहरण दिया? क्यों नहीं परमेश्वर ने यहूदियों का अपने इसका उदाहरण क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? क्या ऐसा कोई पुरुष परमेश्वर को मिला ही नहीं?
यही लगता है कि ऐसा कोई पुरुष परमेश्वर को मिला ही नहीं, उनका उदाहरण क्यों नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि 12 वर्ष से जो स्त्री जो है वो उसके सिर्फ उसके वस्त्र के छोर को छूने को आती है, लोग उसको कितना धिक्कारते हैं कि तू ये क्या कर रही है, परमेश्वर के यीशु मसीह के पास में कहाँ समय है, तू क्यों बीच में आ रही है, यूं और त्यों और त्यों और त्यों। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि किसी ने मुझको छुआ, मुझ में से सामर्थ निकली। ऐसे यीशु मसीह के हम संतान होने के बाद में बाइबल हमको पूरे तरीके से, हम बाइबल का खूब स्टडी करते हैं, आज हमको बोलना है तो हम बाइबल की स्टडी करते हैं, पर हम उथले मन से करते हैं, सांसारिक मन से हम परमेश्वर की स्टडी करते हैं। प्रियो, हम बहुत अच्छा बोले इसके लिए हम परमेश्वर के वचन की स्टडी करते हैं क्या, कि मेरा बोलना लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर मेरे मन में ये बात है तो मेरा बोलना व्यर्थ है, मेरा बोलना व्यर्थ है, मेरे वचन परमेश्वर नहीं पसंद करेगा। परमेश्वर के वचनों को जो मैं मेरे मुख से बोल रही हूँ ना, अगर मुझ में चेंजेस नहीं है, मैं अपने आप को नहीं बदल रही हूँ, तो परमेश्वर मुझे कभी भी मेरे वचनों को आशीषित नहीं करेगा। ये वचन तो उसके हैं, परमेश्वर के वचन हैं ये, पर मुझे आशीष नहीं मिलेगी। ये सब रियलाइजेशन हमको होते चला जाता है जब भी हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, अलग अलग किस्म से हमको परमेश्वर हमसे बातें करता चला जाता है, पर थोड़ी देर के बाद में सब ऊपर ही ऊपर से उड़ जाता है, हृदय में जाता ही नहीं है, हृदय में बसता ही नहीं है। हमारा अहम, ईगो, हमारा बड़प्पन, हमारा धार्मिकता का सोंग, धार्मिकता का आडंबर और अपने आप को बहुत पवित्र समझ लेना। मैं परमेश्वर का वचन बोलती, मैं परमेश्वर का वचन बोलती, मेरे को सोमवार मंगलवार बुधवार गुरु पूरे समय मैं बिजी रहती, पर तुझमें क्या चेंज हुआ? जो परमेश्वर का वचन बोल रही है उसमें क्या चेंजेस है? 1.5 साल हो गए, क्या चेंज है? क्या आज मेरे मन में कपट नहीं? क्या आज मेरे मन में गरीबों के प्रति प्रेम है? क्या आज मैं जिनसे जैसे मेरे लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करती हूँ, वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करती हूँ? उनको हम गरीब क्यों बोलें? सॉरी, उनको हम गरीब क्यों बोले? क्या हम लाजर को भूल गए? क्या हम लाजर को भूल गए? उसने भी तो गरीब व्यक्ति के साथ में वही किया था, उसके मेज के नीचे का चूर चार वो खाता था, उसके ड्योढ़ी पर पड़ा रहता था, कभी उसने उसके ऊपर ध्यान दिया कि चलो इसके सारे जख्म को मैं साफ कर दूं, इसको पूरे तरीके से साफ कर दूं, इसका इलाज कराऊं और मेरे मेज पर, ठीक है अपने मेज पर नहीं भी बैठा है, परंतु जो वो खाता है उसका खाना उसको भी दिया जाए। इसीलिए उसका प्रतिफल क्या हुआ यह हम अच्छे तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि क्या हुआ। हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती, क्यों नहीं समझ पाते हम? ये वचन तो हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार हमने पढ़ लिया, पर वही मैं बोल रही ना कि हमारे ये ऊपर में रहता है सब कुछ हमारे ऊपर की टोकरी में जमा रहता है, जो फर से उड़ जाता है, हम उसको हृदय तक आने ही नहीं देते, हृदय में हम बसने ही नहीं देता। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरे वचन को हृदय में बसा लो, पर हृदय में ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है जो कभी ठीक ही नहीं होता, ये भी कहता है परमेश्वर। क्या गलत है? हम तो दूसरा वचन ऐसे इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या हमको किस तरीके से अपना बड़प्पन
अपना बलिदान चढ़ाना। क्या बलिदान चढ़ाते हैं हम? हम भाई ऐसा सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर के भवन में हमेशा 10 रुपये क्यों डालना, नहीं अभी ना मैं परमेश्वर के भवन में ना थोड़ा ज़्यादा पैसा डालूंगी। मेरा परमेश्वर मेरे से पैसे मांग रहा क्या कि तू हमेशा 10 रुपये क्यों डालती, या तू हमेशा 20 रुपये क्या कितना भी क्यों डालती, तेरी हैसियत है क्या? उससे भी ज़्यादा तू दे सकती ना परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर को चढ़ा रही हूँ क्या मैं? परमेश्वर मेरे पैसों का भूखा है क्या? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। जब हम परमेश्वर का ही आदर नहीं करते हैं, हम दूसरों का क्या आदर करेंगे? क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तू मेरा आदर मत कर, पर तू दूसरों का आदर कर, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर का आदर तो उसी समय है जब हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। सिर्फ ग्रहण नहीं करते, उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं, उसके अनुसार हम कंटिन्यूअसली एक दो दिन नहीं, तब परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है और हम परमेश्वर के वचन में हैं, और तब हमारे लिए ये बात परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, और सच में हम बदल जाएंगे, सच में हम बदल जाएंगे। अगर सचमुच में हम परमेश्वर को मानने वाले हैं ना, हम सच में बदल जाएंगे। इसके लिए हमको ज़रूरी नहीं कि हम कुछ तो भी नया करें, नहीं, परमेश्वर के वचन ही हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारे लिए मार्गदर्शक है, वो दृष्टिहीन को दृष्टि देने वाले वचन है, हमको तो दृष्टि है, तो वो हमको हमारे दिमाग का नवीनीकरण करता है ये वचन। रोज़ बरोज जितना भी बार हम इसको पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग का नवीनीकरण करता है, हमको पूरे तरीके से मसीह की समानता में बदलना चाहता है। मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तो परमेश्वर हूँ, तुम मेरी समानता में आ नहीं सकते, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूं। और उसने क्या बोलना चाहिए हमारे लिए? तो हमको पूरी तरीके से नवीनीकरण, परमेश्वर के समान पूरे तरीके से हमको बदलना है, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया और बाद में हमने उसको प्रेम किया, फिर भी आज हमारे अपराधों के कारण, आज हमारे एक्टिविटीज़ के कारण हम उसको फिर से पैरों तले उसके वचनों को कुचल रहे हैं। बोल तो रहे हैं मुँह से पर उसको मान नहीं रहे ना, उसके अनुसार हम चल नहीं रहे, उसके अनुसार हम कर नहीं रहे। जब देखो तब अगर हम सोचेंगे कि किसी ने मेरा सम्मान करना चाहिए, मैं बड़ा अच्छा बोलती, ऐसा लोगों ने मुझको बोलना चाहिए, पर मेरे को अगर ऐसा कोई बोलेगा तो मैं हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या मैं सचमुच में ठीक हूँ, जो वचन मैंने बोली क्या वो मुझ पर लागू हो रहे हैं, क्या मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बदल रही हूँ। क्षण क्षण करके हम बदलते चले जाते हैं, कुरंथियों में जो लिखा है, तिल तिल करके हम बदलते चले जाते हैं। तो आज तो हमारी इतनी उम्र हो गई है, क्या अभी भी तिल भर भी हम बदले हैं क्या हम? ये बदलने की प्रोसेस धीमी गति से शुरू से चली आती है, पर आज हम इतने बड़े होने के बावजूद भी हमारी प्रोसेस रुकी हुई है, थमी हुई है। हम परमेश्वर को अपने से ज़्यादा सम्मान देने का चाहिए, हम उससे प्रेम करना है, हमको उससे एक दूसरे के साथ में जिस तरीके से प्रेम करने को परमेश्वर ने कहा, हम 11 और 12 भी देख लेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो,
फिर से मैं नहीं बोलूँगी प्रयत्न करने में आलसी ना हो, क्योंकि ये जितना भी है ये सारे प्रयत्न हमको करना है, आलसी नहीं रहना है उसमें। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, केवल एक घंटा आत्मिक उन्माद में नहीं भरे रहना है हमको। एक घंटा मेरे को बोलना है तो मैं बड़ी आत्मिक उन्माद में हूँ, उसके बाद में फिर जैसे थे। प्रभु की सेवा करते रहो, आशा, प्रभु की सेवा करना यानी गरीबों के साथ में व्यवहार, जो अभी हमने पहले पढ़ा, भाईचारे के न के साथ में, लोगों के साथ में, जो मेरा शत्रु है उसके साथ में मैं प्रेम करूं, जो मेरा बैरी है उसके साथ में मैं उसके जो भी उसके नीड्स है उसको मैं पूरा करूं, ये है वो। तो वो कहता है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ऐसा नहीं लिखा है कि आज तेरा वचन है तो आज तू प्रार्थना कर, बाद में तू प्रार्थना मत कर। एक दूसरे के लिए हमको प्रार्थना करना है, बड़ा कठिन है दूसरों के साथ में प्रेम करना। जिस तरीके से मैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस तरीके से मैं मेरे बच्चे की चिंता करती हूँ, जिस तरीके से मेरे बच्चे को, अगर मेरे को समझ में आता है, वो अगर बहुत दिन के बाद में बताई कि भाई मेरे को बुखार आ गया था, हम तीनों भी बीमार थे, कलेजा एकदम चीर जाता है कि तुमने हमको बताई क्यों नहीं, और उसके बाद में इतना दुख होता है कि अभी कैसे होंगे ये लोग, कहीं ये अभी भी तो मुझसे कुछ छिपा नहीं रही, कहीं अभी भी तो इसकी तबीयत खराब नहीं है। कितना प्रेम, क्या ये प्रेम मेरा दूसरों के साथ में है, क्या मैं दूसरों के लिए ऐसा तड़पती हूँ। कोई अगर प्रेम का भूखा है तो क्या उसको मैं आत्मिक उन्माद में भरकर प्रेम करती हूँ। यहाँ तो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जो हम प्रेम करते हैं, उसी तरीके से हमको दूसरों के लिए भी प्रेम करना है, तब ही तो हम आत्मिक उन्माद में भर सकेंगे। और आशा में आनंद, उस प्रयत्न करने में आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमारे परिवार की तकलीफ जो होती है, वही तकलीफ हम दूसरों के लिए महसूस करने वाले हो, उतनी ही इंटेंसिव हमको उसकी भी केयर होना चाहिए। उनके लिए भी हम जितना कर सकते हैं हमने करना चाहिए, जितना हमसे जमता है उतना हमने उसके लिए बलिदान करना है। बड़ा कठिन है दूसरों से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। पर जब हम आत्मिक उन्माद में भरे रहते हैं ना, परमेश्वर के उत्साह में जब हम भरे रहते हैं, परमेश्वर का आनंद जब हम में समाया रहता है, परमेश्वर की ताकत जब हम में समाई रहती है, परमेश्वर का सामर्थ्य जब हम में समाया रहता है, तब हम आत्मिक उन्माद में भरते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि यीशु मसीह को हम निरंतर पहने रहें, यीशु मसीह को निरंतर हम अपने साथ साथ में रखें और उसके आत्मा के साथ में लगातार आत्मिक रूप से हम प्रार्थना करते रहें। सिर्फ आज मेरे को बोलना है तो मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आत्मिक उन्माद में भर लिया, नहीं, हमको तो निरंतर लिखा है उसमें प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सिर्फ तेरा वचन बोलना है उस समय नहीं, प्रार्थना में नित्य में लगे रहो, तभी तो हम आत्मिक उन्माद में भरेंगे और तभी तो हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये तभी हो सकता है, नहीं तो ये असंभव है। अगर हम आत्मा में ना रहे, आत्मिक उन्माद में नहीं रहे, तो हम किसी के साथ में प्रेम कर ही नहीं सकते। ये तो पवित्र आत्मा है जो हमको प्रभु ने दी है, वो भी प्रभु ने हमको दी है। परमेश्वर ने कुछ भी अपने पास में नहीं रखा प्रियो, वो जब गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हारे अंदर रहेगा, देकर गया है ना वो पवित्र आत्मा हमको। हम उसके आत्मिक उन्माद में रह के वो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमको दी है, प्रभु जो हमको सिखाता है, जो इब्रानियों 6:10-11 हम जल्दी से पढ़ लेंगे, टाइम है, इब्रानियों 6:10-11
क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। हमने अभी उसमें पढ़ा रोमन्स में, आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और धीरज के द्वारा, धीरज, धीरज हमको भी आत्मिक उन्माद में भरने के लिए परमेश्वर ने हमको ये सारी चीज़ें हमको दी हुई है, बशर्ते कि हम उसको खींच लें। वो आत्मिक उन्माद, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का जीवन, वो परमेश्वर की खुशी, वो परमेश्वर का सहवास हम खींच लें, प्राप्त कर लें। कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर के वचन में लीन होकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर ने जो जो कहा है अभी उसके अनुसार हमको चलना है। कठिन है, बोलना बहुत आसान है पर करना कठिन है। पर परमेश्वर का वचन अगर हमारे साथ में है और परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा करो, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमको कोई बहुत कठिन बात नहीं बता रहा है, परमेश्वर वही बात कर रहा है जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वही बात वो हमको कह रहा है। 8:16 रोमन्स का 8:16 में लिखा है, आत्मा, देखिए कैसे कर सकते हैं हम, वही मैं बता रही हूँ कि हम किस तरीके से ये काम को कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव सा लगता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, शरीर के साथ नहीं लिखा है, हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। आत्मा यानी दूसरी आत्मा का मतलब है हम, पहली आत्मा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा और दूसरी आत्मा आप ही हमारी आत्मा यानी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि हम तो यीशु मसीह के संतान हैं। मेरी बेटी अगर मेरा जैसा व्यवहार अगर ना करे, मैं जो उसके लिए चाहती हूँ कि जो मेरे को लगता है कि उसके लिए वो अच्छा है, अगर वो ना सुने उसको मैं डांट दूंगी, चिढ़ जाऊंगी उससे, बोल बोल के थक के मैं चिढ़ जाऊंगी। परमेश्वर कभी हमसे चिढ़ता है क्या? वो फिर भी हमको गले से लगाता है। तो हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें कौन सी आत्मा आएगी? मेरी जो बेटी है वो कभी चोरी नहीं करेगी। मेरी जो बेटी है, अगर माँ बाप होशियार है तो बच्चे भी होशियार हो जाते हैं, होता है ऐसा, तो बच्चे भी होशियार होते हैं। अगर माँ बाप चोरी करते हैं तो बच्चा भी चोरी करता है, माँ बाप अगर गलत व्यभिचार करते हैं तो बच्चा भी वैसे ही करता है। तो इसीलिए हम किसके संतान हैं? आत्मा आप ही परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर की संतान है तो हमें परमेश्वर का वो आना चाहिए, स्वभाव, परमेश्वर की थिंकिंग हमें आनी चाहिए। परमेश्वर ने जैसा हमको सिखाया उसके अनुसार हमको काम करना है। परमेश्वर ने जैसा हमको रचा उसके अनुसार हमको अपने जीवन को उसकी आत्मा के साथ में अपनी आत्मा को मिलाकर हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। कल हम बोलेंगे, क्यों पिता, हम तो तेरे वारिस हैं ना, फिर तूने हमको बेदखल क्यों कर दिया? ये सब जो चलता है ना, ये शरीर में चलता है, ये संसार में चलता है। परंतु अगर हम परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं, अगर हम परमेश्वर की आत्मा को पांव तले कुचलते हैं, तो हम उसके वारिस हो ही नहीं सकते।
उस समय हम उससे झगड़ा भी नहीं कर सकते कि तेरा वचन 8:17 में तो कहता है कि यदि हम तेरी संतान है तो तेरे वारिस भी है, तो हमारा वारिस कहाँ, हमारा वो हक कहाँ है। तब परमेश्वर बोलेगा कि मेरी आत्मा के साथ में क्या तेरी आत्मा मिली हुई थी, उसके साथ में क्या गवाही देता था तू, आत्मा आत्मा के साथ में मिलके गवाही देती थी, शरीर के साथ में गवाही देकर कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी, संतान पहले संतान और फिर वारिस, हमारा बच्चा होता है पहले संतान, हमारे जाने के बाद में वारिस, जीते जी नहीं, है तो सब उसी का पर जीते जी नहीं, तो वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, दुख उठाएं तो महिमा पाएं। जरूरी है दुख उठाना परमेश्वर के साथ, और ऐसे सब काम करने के लिए हमको काफी दुखों से गुजरना पड़ता है। आखिरी में हम पढ़ लेंगे 13वां वचन। मैंने कहा था कि आज खत्म करना है मुझको। 13वां वचन कहता है आशा में, सॉरी, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। यहां पर हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल उदारता या हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर 1 पत्रस 2:9 पढ़ते हैं हम, 1 पीटर 2:9, 1 पीटर 2:9 उसमें लिखा हुआ है पर तुम एक चुना हुआ वंश, कौन कौन है हम ये देख लें क्योंकि अपने पास में समय नहीं है, चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। कई ऐसे हमारे पास में पास्टर्स लोग होते हैं जिनके पास में खाना भी नहीं रहता, उनके बच्चे भूखे होते हैं। ऐसे पास्टर्स आजकल कम मिलते हैं पर होते हैं, उनके बच्चे भूखे होते हैं। हमको उन लोगों के लिए, हम लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि हम तुम्हारे साथ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी हो, याचकों का समाज हो, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कहीं पे भी परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि हम दूसरों की मदद ना करें। एक बिल्कुल रोमन्स के 12:13 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमको किस तरीके से पहनाई करना है, किस तरीके से उन लोगों के लिए हमको सैक्रिफाइस करना है। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको दे सकते हैं जिनके पास में कुछ नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में उनको मार डाला गया, अकेला वो उनका व्यक्ति था, उसका पति और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो मार डाला गया। क्या किया हम लोगों ने, मैं तो नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या किया, पर आप हम लोगों ने क्या किया। आज तक ऐसे कई केसेस हुए हैं, पवित्र लोगों को मार डाला जा रहा है, उनके बच्चे, उनकी मिसेस अनाथ हो गई है। क्या किया हम लोगों ने, क्या हमारे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, देखा नहीं है हमने उनको, क्या हम कुछ उनको नहीं मदद कर सकते, नहीं देखे होंगे ना। पर जब पता चल रहा है, हमारे चर्च के पास्टर ने हमको बताया कि वो फाइनेंशियली कितने वीक हैं, क्या किया हमने, क्या लिखा है ना, पहुनाई करो लिखा है ना, उनकी सहायता करो
लिखा है, परमेश्वर का वचन है ये, हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्या मैं हर महीना 500 रुपए खर्च नहीं करती? क्या मैं हर महीना फालतू का 1000 रुपए खर्च नहीं करती? क्या मैं पेट्रोल ख़त्म होने के बाद में 113 रुपए लीटर का पेट्रोल अपने गाड़ी में नहीं भरती? 113 रुपए लीटर होता है और रिजर्व ही उसका 5 लीटर का होता है कार का, ये सब कोई जानता है। नहीं भरते क्या हम पेट्रोल? जब हमारी गाड़ी को हम खाना खिला सकते हैं, वो गाड़ी बिना खाना खाए हमारे साथ नहीं देगी, हम एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकते, बिना कार की चाबी लगाए हम नहीं जाते कहीं। क्या करते हैं हम पवित्र लोगों के लिए? कई ऐसे आजकल अन्याय अत्याचार मार डाला जा रहा है विदाउट रीजन। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम? बड़ी दुख की बात है। क्या नहीं है हमारे पास में? हम हमारे बच्चों के बर्थडे में उसके लिए कितने महंगे कपड़े लेते हैं, सोच भी नहीं सकते हम। हैसियत के बाहर भी कई बार बच्चा मांग लेता है तो हम उसको देते हैं। आज हमारी हैसियत नहीं रहने के बावजूद भी हम अपने बच्चे को देते हैं या नहीं देते हैं, बताइए आप कि क्या हम नहीं देते हैं अपने बच्चे को? हम अपने बच्चे की जिद को पूरा नहीं करते हैं तो वो पवित्र लोगों का क्या, जिसके बच्चे जिसकी औरत आज पूरे तरीके से निराश्रित हो गई है, वो तो प्रभु का काम करता था ना। 1 पीटर 4:18-19, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, देखो हाँ मैं बहुत आवश्यक वचन पढ़ रही हूँ, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? हम भक्तिहीन नहीं है, हम पापी नहीं है, हमने तो परमेश्वर के वचन को देखा है, हमने तो परमेश्वर के वचन को पढ़ा है यहाँ पर कि उनकी सहायता करो, उनकी पहुनाई करो। क्या हम भक्तिहीन नहीं? क्या हम क्या बोलते, हृदय हमारा है सचमुच में? हमारा हृदय है क्या जो धड़कता है परमेश्वर के लिए, आत्मा आत्मा से आए भर भर के प्रार्थना करती है क्या? करती है तो हमारा मन क्यों नहीं टूटता? हमको अगर जूता भी खरीदना है, हम मेट्रो में जाते हैं, हम रिगल में जाते हैं, हम ऊंची में जाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों में काट देता भाई जूता, अगर हम कोई दूसरा जूता पहनते हैं ना, हमारे पेट पैर को काट देता। कितने महंगे पहनते हैं हम कपड़े, कितने महंगे पहनते हैं हम शूज, कितने महंगी गाड़ियों में हम चलते हैं। तो क्या यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? सोच लीजिए हम कहाँ हैं। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, हम अगर किसी को थोड़ा पैसा देना तो हमको दुख भी नहीं होएगा, हमारे शरीर को कहीं पे भी एक चिंदी नहीं लगेगी, इतना है हमारे पास में। पर परमेश्वर बोलेगा कि तूने क्या किया, तूने तो धन पे मन लगाया, तूने तो अपने कार के पेट्रोल पे मन लगाया, 112-113 रुपए लीटर का तू पेट्रोल भरता है, तेरी कार तो 5 लीटर में रिजर्व में रहती है पर तू भरता है ना, कौन है फिर हम? भक्तिहीन और पापी नहीं है हम, तो हमारा क्या ठिकाना? जब धर्मी व्यक्ति को ही कठिनाई से उद्धार मिलेगा, यह परमेश्वर का वचन है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। क्यों नहीं, एक रिकरिंग कर दीजिए, नहीं नहीं रिकरिंग, ऐसो दे स्टैंडिंग ऑर्डर अपने बैंक में दे दीजिए कि हर महीने मेरे इस अकाउंट से ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होए, एक साल के लिए वो पैसे ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, हमको जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती।
करते हैं क्या? मालूम मेरे को सब, मैं बैंक में काम करती थी ना, मालूम है सब मेरे को, पर मैं करती हूँ क्या? तो मेरा क्या ठिकाना? धर्मी जनी इतने कठिनाई से जाएगा तो मेरा क्या ठिकाना? बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोलती। इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम ये 1 पीटर 4:18-19 का बहुत ही आत्मा ही आत्मा के साथ में रो रो कर विनती करेगा। आप करके तो देखिए, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। अगर हमने बता दिया तो हमने अपने उद्धार को खो दिया। पर आज वो वचन था करके मैं उस विषय पे बोली हूँ। वो वचन बोलता है उनकी सहायता करो। और आज हम देख रहे हैं भारत में सब जगह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोहताज हो गए हैं। वो तो परमेश्वर के ना राज्य का प्रचार करते हैं ना, हम तो नहीं करते। हम तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करते, और वो राज्य का प्रचार करते हैं, उनको मार डाला जाता है। तो उनका उनके संभालने की जवाबदारी किस पे है? हम ही भक्तिहीन लोगों पे है। इसलिए परमेश्वर के ये वचन को, जो मैंने नहीं सोचा था कि परमेश्वर इस तरीके से हमसे बात करेगा, पर परमेश्वर ने जो हमसे बात किया है ना, परमेश्वर कोई योजना हमारे लिए बनाता है। और वो योजना को हमको आत्मसात करना है या नहीं करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। परमेश्वर हमारे को जबरदस्ती हमारा हाथ उठा के बैंक में नहीं लेके जाएगा, पर ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने हमको बता दिया आज, पहुनाई करना बड़ा आसान है, लोगों को खाना खिला देना एक हद बार कोई मतलब नहीं है। कोई उनको महीना भर खाना खिला के बताइए, जिनके पति का इस तरीके से टॉर्चर में देहांत हो गया, उसको अपने घर में महीना भर तो खाना खिला के बताइए उसके परिवार को। परमेश्वर ने वो नहीं कहा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस जीवते वचन के लिए, इस पिता परमेश्वर अग्निमय वचन के लिए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज आपने हमारी मन की आँखों को खोल डाला। पिता परमेश्वर, ये वचन हम हमेशा पढ़ते हैं और यही कहते हैं कि हमारी मन की आँखों को खोल डाला, पर पिता परमेश्वर हम कृति नहीं करते, हम पिता परमेश्वर उसके अनुसार एक्ट नहीं करते। परंतु पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि केवल वचन को आँखों से देखकर पढ़ने वाले और कानों से सुनने वाले और मुंह से बोलने वाले मत बनो, बल्कि उसके अनुसार करने वाले बनो, उसकी कृति में लाओ, तो ही परमेश्वर का वचन धन्य है। नहीं तो धर्मी जन ही बड़ी कठिनाई से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, तो हम भक्तिहीनों का क्या? जो परमेश्वर के वचन पढ़ पढ़ के सुन्न हो चुके हैं पिता। ओ मेरे राजा, ओ मेरे पिता, दया कर, हम पर दया कर, आपके वचन के अनुसार हम करने वाले हो सके, आपके वचन के अनुसार हमारे दिलो दिमाग में केवल वो वचन छाया न रहे, बल्कि उसके अनुसार हम अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, हम परमेश्वर के राज्य के चलती फिरती पत्रियां हैं, हम उसके राजवंश के घराने के हैं, तो हम परमेश्वर की हर इच्छाओं को पूरी करने वाले हो जाएं पिता, तभी तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं, स्वर्गीय देश के हम वारिस हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को बदल डाल, अभी भी पिता हमारे जीवन को तो बदल डाल, हमको हमेशा के लिए पिता परमेश्वर अपने पवित्र राह पे चलाने वाले हो जा, ऐसा होने दे पिता, हमारे मार्गों को तो बदल डाल पिता, होने दे पिता कि जो भी यहाँ पर हाजिर थे उन सबको पिता परमेश्वर आशीषों से माला माल कर,
और होने दे पिता कि ये वचन सब लोगों के मन में पिता परमेश्वर गहराई से बसने पाए और उसके अनुसार वो कार्य करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको आप अपने आशीषों से नवाजिए और जो ऑफलाइन देखेंगे उनके भी मन मर पिता परमेश्वर ये वचन गहराई से बस के उसी तरीके से वो कार्य करने वाले हो सके। तो हमारे लोग जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं उनके लोग कभी भी भूखे नहीं मरेंगे पिता, कभी भी भूखे नहीं मरेंगे पिता। उनके लिए हम ही पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं को तैयार करने वाले हो सके पिता। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर हमेशा पिता परमेश्वर कोई न कोई एक बात ऐसी मन को लग जाती है पिता जो हमको वो काम करने के लिए प्रेरित करती है। उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये पेज का धन्यवाद करते हैं। हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए और पिता परमेश्वर जितने यहाँ उपस्थित है विशेष करके ग्रेस दीदी के लिए, रोहिणी के लिए, आरती के लिए, सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके नाम को मैं नहीं ले रही हूँ, परंतु जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से उनके पूरे जीवन को हम प्रेम में परिवर्तित करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम से उनको ब्लेस करते हैं पिता। उनकी रक्षा कर, उनके साथ हो। हम सब के साथ आज आपने जो बात की है उसके अनुसार हम करने वाले हो सके पिता। ये सारी प्रार्थना हम पवित्र परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने सचमुच में बहुत आत्मा के साथ में ये वचन को आगे बढ़ाया। परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है जो ये वचन को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के साथ में मिलाकर हमारी आत्मा से बात किया, हम सब की आत्मा से बात किया। प्रेज द लॉर्ड।